चलिए आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर जो राजधानी भोपाल से मिल रही है। ऑक्सीजन के लिए कैबिनेट की पॉलिसी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए कैबिनेट की पॉलिसी, प्राइवेट सेक्टर के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पॉलिसी तैयार की गई है। पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया, अगली कैबिनेट में चर्चा के बाद इसे लागू किया जाएगा। शिवराज सरकार 50% प्रोत्साहन अनुदान देगी, वहीं बिजली खपत पर 1 रुपए यूनिट छूट भी मिलेगी। ऑक्सीजन के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, बिजली खपत के लिए 1 रुपए यूनिट छूट मिलेगी, हादसे रोकने का इंतजाम करने पर 1 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पॉलिसी तैयार की गई है। चलिए तो ऑक्सीजन के लिए कैबिनेट की क्या पॉलिसी है जान लेते हैं हमारे संवाददाता दुष्यंत से। दुष्यंत, ऑक्सीजन के लिए कैबिनेट में पॉलिसी दी है, प्राइवेट सेक्टर के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए कल कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट के तमाम सारे जो मंत्रीगण थे उस बैठक में मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बैठक ली थी और तमाम सारे इन पर चर्चा भी हुई, तमाम सारे मसलों पर चर्चा हुई और जनता को किस तरीके से राहत देनी है इस पर भी चर्चा हुई। अगर बात की जाए ऑक्सीजन को लेकर, लगातार मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची हुई है, प्रयास ये की जा रहा है सरकार की तरफ से कि ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था हो सके ताकि प्रदेश की जो जनता है उसको राहत मिल सके और यही कारण है कि कैबिनेट बैठक में एक पॉलिसी की का ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया है। अगली कैबिनेट जो होगी उस कैबिनेट के बाद इसको लागू किया जा सकता है। और अगर पॉलिसी की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स के संचालकों से, उनकी ओनर्स से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही दूरध्वास पर चर्चा की है और चर्चा के बाद ये तय किया है कि मध्य प्रदेश में अगर ऐसे लोग जो है प्राइवेट सेक्टर से आते हैं वो लोग अगर ऑक्सीजन का प्लांट लगाते हैं तो उनको 1 करोड़ की अतिरिक्त जो छूट है वो दी जाएगी। साथ ही साथ इस बात को लेकर भी पुख्ता किया जाएगा कि जो 50% का प्रोत्साहन अनुदान है उसको भी सरकार, शिवराज सरकार ऐसे लोगों को देगी। साथ ही साथ बिजली की खपत जो होगी उसमें भी 1 रुपए प्रति यूनिट पर छूट जो है वो सरकार देने वाली है। तो तमाम सारे प्रयास सरकार की तरफ से हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, जो माली हालत है, उसके हिसाब से सरकार को अगर वो ऑक्सीजन बनाकर देते हैं और ऑक्सीजन प्लांट मध्य प्रदेश में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मध्य प्रदेश सरकार को तो होगा ही, साथ ही साथ जनता को भी इसका फायदा मिल सकेगा। हालांकि सरकार ने कुछ ऐसे जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें क्लॉज ऐसे भी है जिसमें सरकार ऐसी जो प्लांट लगाने वाले जो लोग होंगे, प्लांट लगाने वाली जो कंपनियां होंगी उनको कहीं ना कहीं लाभान्वित भी करेगी, क्योंकि जब ऐसी परिस्थितियों में वो सरकार की मदद कर रहे हैं, प्रदेश की मदद कर रहे हैं और ऐसे में अगर उनकी मदद भी ना की जाए तो कहीं ना कहीं ये तो खैर सही नहीं होगा। तो सरकार ने पूरी पॉलिसी तैयार की है और इस पॉलिसी के आधार पर ही आगामी दिनों में धरातल पर प्लांट जैसी चीजें देखने को मिलने लगेंगी। जी बिल्कुल दुष्यंत, बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। तो लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सरकार प्रयासरत है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसी को लेकर अब एक नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। प्राइवेट सेक्टर के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पॉलिसी तैयार की गई है, बिजली खपत पर 1 रुपए प्रति यूनिट की छूट भी मिलेगी, साथ ही शिवराज सरकार 50% प्रोत्साहन